लगभग 15-20 दिनों से एक समाचार और एक भाषण देश में चर्चा का भी विषय है और चिंता का भी। आंध्र प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसके शरीर में ओसामा बिन लादिन की आत्मा घुस गई। तालिबानी मानसिकता से भरपूर ये राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बैठ करके देश में देश के सांप्रदायिक सौहार्द को में जहर घोलने का काम और राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ जिस तरह के बयान और जिस तरह के भाषण इस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इस पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं वो शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मजे की बात यह है कि पूरे देश में इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, सभी जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है, निंदा की जा रही है और ये MIM जो पार्टी है जो कि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी सहयोगी है और UPA का एक बहुत ही जांचा परखा खरा सहयोगी दल है, उसके खिलाफ किसी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र FIR लिखा करके खानापूर्ति की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये सारे के सारे घटनाक्रम इस बात का संकेत है, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता के साथ देश में जहर पैदा करके, जहर घोल करके, देश की हवा में जहर घोल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के माहौल को खराब करना चाहती है। हमारी मांग है कि जिन्होंने इस तरह का जहर भरा भाषण किया है, जिस पार्टी के शरीर में ओसामा बिन लादिन की आत्मा घुस गई है और जो तालिबानी मानसिकता के तहत इस तरह की हरकतें कर रही है, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, नंबर वन। और चुनाव आयोग से हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग इस पार्टी की मान्यता को तत्काल रद्द करे, क्योंकि ये पार्टी शुद्ध रूप से देश के संविधान के खिलाफ है, देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ है और देश में जहर फैलाने का और देश को दंगों की आग में झोंकने का षड्यंत्र करने में की अपराधी है और पापी है। इसलिए हमारी तत्काल मांग होगी कि चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई करे, सरकार देशद्रोह का मुकदमा इस पर लगाए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी साफ करे कि कांग्रेस के कंधे पर बैठ करके सत्ता के सिंहासन का आनंद लेने वाली ये पार्टी और इस पार्टी के इस बयान से कांग्रेस सहमत है या विरोध में है। अगर विरोध में है तो अभी तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके लिए सीधे गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करने की हम मांग करते हैं।